Good afternoon, everyone. Welcome at GK Rajasthan YouTube channel. So, guys, GK Rajasthan YouTube channel पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. So, guys, now today we have lots of questions. आज हमारे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन हैं. और चलिए पहले आप कोशिश करिए, पहले आप प्रयास करिए, फिर finally I will tell you the right answer. Okay? बताइए इसमें क्या होगा? Page after page of Gita were read and it gave great consolation to his mind. जल्दी बताइए क्या होगा? थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए. बताइए जल्दी करिए क्या होगा राइट आंसर. देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे साथ बोलते जाइए याद हो जाएगा. ध्यान दीजिएगा, जब एक ही नाउन, बोलिए, जब एक ही नाउन या सेम नाउन प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, मेरे साथ बोलिए, जब एक ही नाउन प्रीपोजिशन के साथ दोबारा दोहराया जाए, प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. तो यहां पे क्या हो जाएगा? वाच हो जाएगा. तो वर्ब सिंगुलर होगा. जैसे मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन है, मानकर चलिए ये जैसे लिखे इसके सिटी आफ्टर, बोलिए सिटी आफ्टर सिटी. देखिए एक ही वर्ड किसके बाद आया है? प्रीपोजिशन. जब एक ही नाउन प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, जब एक ही नाउन प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो क्या होगा? वाज वर्ड. तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. समझ में आ गया? बोलिए. हाउस आफ्टर हाउस, वाज सर्च्ड, वाज बर्न. बोलिए मेरे साथ, हाउस आफ्टर हाउस. इसका मतलब होता है एक के बाद एक, राइट? तो एक एक, इसका मतलब एक क्रम में, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पहले पढ़िए क्वेश्चन. He looks at everything from their best side. बताइए क्या mistake है? बोलिए जल्दी बताइए फटाफट. Give me the right answer. ध्यान दीजिएगा कि भैया ये देर नहीं होगा, ही जो होगा, क्योंकि ही का possessive case ही जो होगा, ही का possessive case ही जो होगा. बोलिए होगा ना? बहुत आसान है. अगला क्वेश्चन है, Neither Mr. Jones, right? Nor Mr. Smith, neither Mr. John, nor Mr. Smith, right? Neither Mr. John and nor Mr. Smith, right? तो यहां were able to give me any advice. क्या problem है? Either are or neither nor के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है. पकड़ लिया आप लोगों ने? तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? वाज हो जाएगा. नाइदर नार से अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हैं, बोलिए, नाइदर नार से अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब क्या होगा? तो वर्ब क्या होगा? तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा. दैट्स इट. अगला क्वेश्चन है गाइज, ध्यान दीजिएगा कि आपको बताना है इसका सेनानिम्स बताना है. क्या बताना है? सेनोनिम्स. मतलब आपको सिमिलर मीनिंग बताना है. डिडैक्टिक मीन्स क्या होता है? बताइए, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा. डिडैक्टिक मीन्स गाइस बताइए, ऑफ द नेचर ऑफ टीचिंग. इसे बोलते हैं बेटे शिक्षात्मक. क्या बोलते हैं? शिक्षात्मक. सॉरी, देखिए ऐसे रहेगा, शिक्षात्मक. क्या होगा? शिक्षात्मक होगा. ऑलराइट, तो देखिए ये लिख देता हूं मैं फिर से, जिससे थोड़ा सा शिक्षात्मक. तो डिडैक्टिक मीन्स होता है फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान से भरपूर, ज्ञान से पूर्ण, शिक्षात्मक. डिडैक्टिक, डिडैक्टिक. तो बोलिए, बोल के प्रैक्टिस के लिए, डिडैक्टिक मीन्स ऑफ द नेचर ऑफ टीचिंग. Deductive means of the nature of teaching, right? या full of knowledge, all right? चलिए अगले word की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. अगला word है resume. Means क्या होता है?
रेज्यूमे मींस क्या होता है जल्दी बताइए, थोड़ा सा वर्ड जरूर टफ है बट एग्जाम्स में तो टफ ही आता है, इजी क्यों देगा भाई, क्यों देगा इजी। रेज्यूमे मींस होता है अ न्यू स्टार्ट, तो बोलिए रेज्यूमे मींस अ न्यू स्टार्ट, रेज्यूमे मींस अ न्यू स्टार्ट, फिर से बोलिए रेज्यूमे मींस अ न्यू स्टार्ट, रेज्यूमे मींस अ न्यू स्टार्ट, रेज्यूमे मींस न्यू स्टार्ट, बोलिए याद हो गया, बोलिए यस, याद हो गया, यस ओके। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं गाइस, बहुत अच्छा वर्ड है, बताइए लार्जीज मींस क्या होता है, लार्जीज बहुत अच्छा है, लार्जीज मींस, लार्जीज मींस क्या होता है, सही बात है, क्या होगा, लिबरल होगा। चलिए बोलिए एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जरूर वर्ड टफ है, वर्ड्स टफ है लेकिन याद करने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। बोलिए लार्जीज मींस लिबरल, बोलिए लार्जीज मींस लिबरल, लार्जीज मींस लिबरल, आई एम लार्जीज, यू आर लार्जीज, आई एम लिबरल, यू आर लार्जीज, लिबरल लिबरल, लार्जी लार्जी, लिबरल लिबरल, याद हो गया जब आएगा टिक कर देंगे, राइट ओके। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबनोयर मींस क्या होता है, डेबनोयर, डेबनोयर मींस क्या होता है, बता दीजिए जल्दी से क्या होता है। ओके, प्लीजेंट एंड ग्रेशियस होता है, प्लीजेंट एंड ग्रेशियस, I'm Debonair. Are you Debonair? Are you Debonair? Yes, sir. I'm Debonair. Okay. All right. Next one. अगला वर्ड बच्चे, मिलेंज मींस क्या होता है? मिलेंज मींस क्या होता है? बताइए जल्दी करिए। पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। Mixture of medley. इसे बोलते हैं घपला करना, हॉचपॉच कर देना, ठीक है? स्पष्ट कर देना, तो मेलेंज मींस मिक्सचर ऑफ मेडले, बोलिए मेलेंज मींस मिक्सचर ऑफ मेडले, मेलेंज मींस मिक्सचर ऑफ मेडले, मेलेंज मींस मिक्सचर ऑफ मेडले, ठीक हो गया। ऑलराइट चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला है, अब देखिए इसमें आपको बताना है द प्राइसेस आर गोइंग अप लिप्स एंड बाउंस, राइट, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बेटे idioms and phrases है, देखिएगा ये idioms and phrases में आता है, तो अब आपको 5-7 phrases और idioms मिलेंगे जो leaps and down bounds means क्या होता है, तो rapidly होता है। Guys, if you do hard work, your knowledge will increase leaps and bounds, your knowledge will increase leaps and bounds. My in business is increasing leaps and bounds, right? बोलिए प्रैक्टिस करिए, बोल बोल के प्रैक्टिस कर ले, याद हो जाएगा, बोलते रहेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, देखिए बिटवीन द डेविल एंड डीप सी का मतलब क्या होगा, क्या होगा बताइए। अब देखिए डेविल एंड डीप सी, इधर देखिए ना, कभी कभी कहानी एक हिंदी में लाइन है, ये जिंदगी, ध्यान से सुनिएगा, ये जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई, ये जिंदगी यार, ये जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई, एक और है दरिया, एक और है खाई, एक और है दरिया, एक और है खाई, राइट। तो जिंदगी में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि किधर जाऊं, आता है सिचुएशन, बोलिए आपकी लाइफ में कभी सिचुएशन आया है, आई थिंक जरूर आया होगा। तो ऐसे ही है कि बिटवीन द डेविल, एक तरफ राक्षस है और दूसरी तरफ क्या है, डीप सॉरो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसे क्या बोलते हैं, टू बी इन डायलेमा, डायलेमा का स्पेलिंग पूछता है, ध्यान दीजिएगा, डी आई एल ई डबल एम ए, 10 बार लिखिएगा, डी आई एल ई डबल एम ए, यही डबल एम ही खतरनाक है, डायलेमा की स्पेलिंग भी पूछता है, तो 5 बार लिख डालिए आप लोग, मिनिमम 5 बार, बाकी आपकी श्रद्धा, ठीक है, 5 बार लिखेंगे, यस सर, क्यों नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मिस द बोट, क्या बात है, मिस द बोट, राइट, अगर आप बोट को मिस करते हो यार, तो आई एम रियली सॉरी, अगर आप क्लासेस से एक भी मिस करते हो तो सिचुएशन समझ सकते हो। टू मिस द बोट मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस द बोट, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, बोलिए मेरे साथ,
Don't miss the boat. Don't miss the opportunity. Don't miss the boat. Don't miss the opportunity. बस याद हो गया, राइट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. To have cold feet. मुझे कहा सर, कहा गया कि सर आप आके पढ़ा दीजिएगा. Cold feet? नहीं वो इसका मतलब क्या होगा गाइज इंग्लिश में? ओके, टू बी रिलक्टेंट. रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, बिना इच्छा के. यार बिना इच्छा के कोई काम मत करिए. अगर आप पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, पूरी इच्छा के साथ पढ़िए, पूरी ईमानदारी से पढ़िए. टाइम से ऑनलाइन हुई है, टाइम से पढ़िए. ओके, ऑलराइट. नाउ बताइए, अ स्नेक इन द ग्रास. ओ माय गॉड, स्नेक इन द ग्रास. अब बताइए, हरा हरा बड़ा मैदान हो, उसमें स्नेक इन द ग्रास, हरा हरा घास हो, वहां आनंद करने आप गए और वहां सांप हो. माय गॉड, हाउ पेनफुल इट इज. ओके, टू अनरिकॉग्नाइजेबल एनिमी और डेंजर. ऐसा खतरा जहां पे हम सोच ना सकें. सम पीपल आर लाइक स्नेक इन द ग्रास. सम पीपल आर वेरी डेंजरस. दे आर वेरी नियर एंड डियर, बट दे आर स्नेक इन द ग्रास. ओके, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर, दे आर स्नेक इन द ग्रास. बोल लीजिए दो चार बार, याद हो गया? ठीक, चले अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. सिल, अब देखिए ये प्रीपोजिशन है, आपको प्रीपोजिशन भरना है इसमें. सिल्क वार्म, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मान लीजिए सिल्क वार्म बेटे होता है फीड ऑन. 5-7 बार लिख लीजिए फीड ऑन. बोलिए मेरे साथ फीड ऑन, फीड ऑन, फीड ऑन. 2-3 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा फीड ऑन. ठीक है, ऑल राइट. नाउ बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा. शी एक्सेल्स डांसिंग, शी एक्सेल्स डांसिंग, शी एक्सेल्स इन डांसिंग. एक्सेल्स इन डांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ही एक्सेल्स इन स्विंगिंग, ही एक्सेल्स इन, एक्सेल्स इन, हो जिस फील्ड में भी हो. ठीक है, ऑल राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट, द वाइल्ड बोर BOAR रहेगा, ये ए रहेगा. अबाउंड सम पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप क्या होगा? इन होगा, डेफिनेटली इन ही होगा, राइट. अबाउंड इन, अबाउंड इन, अबाउंड इन, अबाउंड इन, अबाउंड इन, याद हो गया होगा. अगला क्वेश्चन है गाइज, द गो डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कितना बता दूं, 1000 times इंपॉर्टेंट इट इज, राइट. इतना बार इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा है. द गो डाउन इज इन्फेस्टेड, मतलब क्या होता है? इन्फेस्टेड की मीनिंग ही नहीं पता तो क्या हम करेंगे? भरा हुआ, खचा खच भरा हुआ. तो गो डाउन जो है वो चूहों से भरा है. इन्फेस्टेड के साथ हमेशा विद लगता है. चलिए बोलिए, इन्फेस्टेड विद, इन्फेस्टेड विद, इन्फेस्टेड विद, इन्फेस्टेड विद, इन्फेस्टेड विद. 5-10 बार बोल लीजिए. बोलिए याद हो गया ना? बोलिए याद हो गया सर, गुड वन. ओके, नेक्स्ट वन. अब बताइए इसमें क्या है. देयर इज, इसके जगह पे नो थोड़ा सा आगे लिख लीजिए. देयर इज नो एक्सेप्शन. एक्सेप्शन के साथ क्या लगेगा? जल्दी बताइए प्रीपोजिशन क्या लगेगा. एक्सेप्शन, प्लीज 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 बता दीजिए. एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन टू. आप 10 बार बोलिए एक्सेप्शन टू. बोलिए मेरे साथ रिपीट करिए, एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन टू, टू 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 टू, एक्सेप्शन टू. बोलिए याद हो गया? मुंह खोलिए, डोंट शाय. कुछ लोग तो नहीं बोल रहे, चाहे जितना हम कह लें, सर आप क्या कर लोगे, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या कर लेंगे आप. कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है. नहीं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूं. बिकॉज प्रॉफिट इज योर्स एंड लॉस इज योर्स, बट इफ योर लॉस इट मींस माई लॉस एंड योर प्रॉफिट मींस माई प्रॉफिट. गुड, ऑलराइट. नाउ गाइस अगला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. बताइए क्या होगा. अल्कोहल इज इंजूरियस. इंजूरियस मतलब क्या होता है? नुकसानदायक, कष्टकारक. अल्कोहल समझ रहे, वाइन खतरनाक होता है. तो इंजूरियस के साथ क्या लगता है? टू. बोलिए इंजूरियस टू, बोलिए इंजूरियस टू, इंजूरियस टू, इंजूरियस टू, इंजूरियस टू. एकदम म्यूजिकल तरीके से सीखिए, पढ़ लेंगे याद हो जाएगा.
इंडस्ट्री इज बहुत अच्छा है, ये भी प्रीपोजिशन बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री इज की टू सक्सेस, की टू सक्सेस, की टू, की टू, की टू सक्सेस, की टू सक्सेस, बोल लीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्लीज अब देखिए ये क्या है, वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, सब लोग बता लेंगे, सभी लोग, हाँ वही जो आप कह रहे हैं वही आंसर है, जू, जहां जू रहते हैं वहीं तो एनिमल्स आर केप्ट। ठीक है, ओके, ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। That which can be carried, जिसको हम आसानी से यहां से वहां ले जाएं, यहां से वहां ले जाएं, यहां से वहां ले जाएं, क्या होगा, Definitely portable, क्या होगा, Portable होगा, जिस चीज को हम यहां से वहां रख सकते हैं तो क्या होगा, Portable होगा। अगला क्वेश्चन है, A writer who steals, अरे बहुत लोग राइटर भी ऐसे होते हैं, किताब अपने नाम लिखते हैं, तरह तरह के जगह से कट पेस्ट कॉपी यही करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अ राइटर हु स्टील्स आइडियाज फ्रॉम अदर्स, बताइए क्या होता है, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज अ प्लैगरिस्ट, प्लैजरिस्ट होता है, प्लैजरिस्ट बोलते हैं इसे, इसे बोला जाता है प्लैजरिस्ट, प्लैजरिस्ट जो होते हैं वो जगह जगह से चीजों को ढूंढ करके, चुरा करके, ले दे करके अपना बना लेते हैं, दैट इज नॉट गुड, और वह अच्छा नहीं होता है। एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, गाइस क्या होता है, डेड बॉडी का एग्जामिनेशन, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में, कोई अपने को लटका लेता है, कोई जहर खा लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए फटाफट, टेल मी, ओके, बहुत फेमस है पोस्टमार्टम, पीएम भी लोग कहते हैं, और अटॉप्सी भी होता है, अटॉप्सी, राइट, इस वर्ड को भी याद रखिएगा, अटॉप्सी भी होता है, अटॉप्सी, राइट, वेरी इजी वर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, इसमें हमें बताना है करेक्ट स्पेलिंग बताना है, राइट, तो बताइए क्या होगा, करेक्ट, कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ट है, डेफिनेशन, बताइए, डेफिनेशन, डी ई एफ आई एन ए टी आई एन, तो डेफिनेटली होगा डेफिनेशन, डी ई एफ आई एन ए टी आई एन, डेफिनेशन होगा, डी ई एफ आई एन ए टी आई एन, डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की स्पेलिंग आपको बताना है, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए क्या होगा बच्चों, डायलॉग, डी आई ए एल ओ जी यू ई, देखिए इसको कई बार लिखिएगा, डी आई ए एल ओ जी यू ई, डायलॉग, डायलॉग, डी आई ए एल ओ जी यू ई, डी आई ए एल ओ जी यू ई, दो चार बार बोल लीजिए याद हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्या होगा, बताइए एक्सरसाइज की कौन सी स्पेलिंग सही है, बताइए कौन सा होगा, ए बी सी डी, कौन सा, सर बहुत सरल है सर, बता देंगे, ई एक्स ई आर सी आई एस ई, अरे कभी कभी सरल भी नहीं, ई एक्स है ना, ई एक्स ई आर सी आई एस ई, एक्सरसाइज, राइट, ई एक्स ई आर सी आई एस ई, एक्सरसाइज। ठीक है, अगला बताइए वर्ड क्या होगा, इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं जल्दी नहीं बताऊंगा और आपको भी प्रॉब्लम होगी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, तभी मैं बताऊंगा वरना नहीं बताऊंगा, जल्दी बताइए। सो कि गाइस एम्बैरसमेंट होता है, स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस एम ई एन टी, देखिए आराम से, ई एम बी ए डबल आर रहेगा, याद रखिएगा, एम्बैरेस, आई एम बी ई डबल आर ए, राइट, फिर डबल एस एम ई एन टी, एम्बैरेसमेंट, ई एम, देखिए ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस एम ई एन टी, एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट,
ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट क्या है एटिकेट की स्पेलिंग बताना है आपको एटिकेट बताइए क्या होगा इसमें ETIQUE TTE एटिकेट दो से तीन बार इसको भी लिख लेंगे आप देखिए बहुत सिंपल है ETIQUE TTE एटिकेट शिष्टाचार होता है हैरेसमेंट की स्पेलिंग क्या होगी हैरेसमेंट हे डोंट आई डोंट लाइक हैरेसमेंट बताइए HARRASMENT देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा HARRASMENT HARRASMENT राइट तो डोंट हैरस मी ओके आई थिंक सो गाइज आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो गाइज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट इफ यू रियली एंजॉय एंड इफ यू रियली लर्न Please and please subscribe my channel, right? Pass your valuable comments and at the same time, press bell icon for your notification, right? And guys, I would like to tell you that सारे question को आप बहुत आराम से पढ़िए हमेशा अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल patience मत छोड़िए आप अगर किसी बच्चे का English कमजोर है तो भी आप लगातार class लेते रहिए क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हट से रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि हमारी इंग्लिश कमजोर है अगर आपको लगता है कि सर मुझे प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम होती है तो ध्यान दीजिएगा प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम होती है तो प्रीपोजिशन एक टफ चैप्टर है इतना आसान नहीं है कि आप आसानी से कर लें दूसरी चीज प्रीपोजिशन में हमेशा बोल बोल के आप प्रैक्टिस करते चलिए अगर आप बोल बोल के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये मेरा वादा रहा दूसरी चीज गाइज स्पेलिंग एरर में आपको क्या करना है स्पेलिंग एरर में इस बात का ध्यान देना है कि आपको अपना खुद 10 से 5 बार लिखना है और याद करने के ट्रिक को भी जैसे मैंने अगर आपको दो बार कहा है ध्यान दीजिएगा अगर मैंने आपसे कहा है कि आप दो बार लिखिए तो भैया इट वुड बी बेटर कि आप दो बार में एक जीरो और बढ़ा दीजिए कितनी बार हो गया 20 टाइम्स ठीक वही अगर मैं तीन बार कहूं कोई बच्चा अगर कमजोर है जिसको जल्दी से याद चीजें नहीं होता है मैं अगर तीन बार कहता हूं भैया आप एक जीरो बढ़ा लीजिए कितनी बार पढ़ेंगे बोलिए 30 टाइम्स सो गाइस जितना ज्यादा आप लिखेंगे जितना ज्यादा आप बोलेंगे साथ साथ बोलते चलेंगे आपको चीजें याद हो गई होंगी आई होप कि अगर आपने ईमानदारी से मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चन को अगर आपने किया है अच्छे से और एक बार आप करने के बाद ध्यान दीजिएगा मेरी आपसे मेरी आपके लिए सलाह है कि एक बार पूरा पढ़ने के बाद फिर से देखिए क्या करेंगे आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते समय आप 30 पूरा एक कॉपी में लिख लिया करिए और सबसे पहले जैसे हमने बताया क्वेश्चन 1 का आंसर आपने बी लगाया अगर सही हो गया तो आप उसको है ना ब्लू कलर से उसको आप लगा टिक लगा लीजिए और अगर आपसे गलत हो गया तो उसको आप रेड कलर से लगा लीजिए ठीक है आप उसको रेड कलर से लगा लीजिए जो भी क्वेश्चन और कम से कम हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए ध्यान दीजिए सिलेक्शन के दो तरह के हम समझते हैं टिप्स सबसे बेहतर होते हैं एक तो टिप्स ये होता है बच्चे कि जैसे मान लो 100 क्वेश्चन प्रीपोजिशन का आपको मिल गया 100 क्वेश्चन में अगर आपने मान लीजिए सॉल्व किया किसी भी प्रैक्टिस सेट को आपने सॉल्व किया अब ध्यान दीजिएगा पहली बार जब आपने बाय द वे जब सॉल्व किया तो मानकर चलिए 100 में से
आपने 50 क्वेश्चन एकदम सही कर लिया, ठीक है? कितने सही किया? 50 किया। अब आपके जाहिर सी बात है 50 ही आपके लिए खतरनाक है, फिर उन 50 को आप दूसरी बार एफर्ट करेंगे तो उसमें से ऐसा हो सकता है 25 गलत हो, 15 गलत हो, ऐसे धीरे धीरे करके एक समय आएगा जब आप पांचवी बार, ध्यान दीजिएगा, जब आप पांचवी बार उस सेट को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको टफ लग रहे होंगे। अब देखिए उस 100 क्वेश्चन में अब आपके पास मात्र 3, किसी के लिए 3 हो सकता है, किसी के लिए 2 हो सकता है, किसी के लिए 1 हो सकता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 100 में से अब आपको एग्जाम के समय उस सेट से केवल 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। गाइस यही एक सबसे अच्छा तरीका है कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे कोई प्रैक्टिस सेट आपने किया और उसमें से मान लीजिए आपने, कभी कभी आप ही लोग बताते हो कि सर मेरा 12 क्वेश्चन सही हुआ आउट ऑफ 30, 30 क्वेश्चन से 12 सही होगा। बेटे आप ये बता दो कि बाकी के जो क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, अगर वो एग्जाम में आएंगे आपसे तो वहां भी नहीं हो पाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप दोबारा इसको करिए, राइट, आंसर सॉल्व करके। तो मेरा ख्याल है कि दूसरी बार आप हो सकता है 25 कर लो, फिर एक बार यार उसी को प्रैक्टिस को कर लो, फिर अगली बार हो सकता है आप 30 पूरा कर लो। तो कहने का मतलब जब तक आपका एक सेट अच्छे से तैयार नहीं हो जाता है, बढ़िया से तैयार नहीं हो जाता है, प्लीज एंड प्लीज आप आगे मत बढ़िए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है बच्चे कि बेटर होगा आप 2 या 3 के फ्रेंड का एक ग्रुप बना लो और रोज डिस्कस करो, राइट। जैसे एक प्रैक्टिस सेट आप पढ़ते हैं, एक प्रैक्टिस सेट वो पढ़ता है, राइट। अब उससे बोल दो यार तुमको जो सबसे टफ लगे वो मुझसे पूछना, मुझे जो सबसे टफ लगेगा वो मैं तुमसे पूछूंगा। तो उससे क्या होता है, डिस्कशन से भी आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। तो गाइस अगर आप इस सलाह के हिसाब से सारे क्वेश्चन को करेंगे तो आई होप आपको कभी भी लाइफ में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर मेरा थोड़ा, मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है। गाइस तो मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सभी सही होंगे, बस आप जोश के साथ, उत्साह के साथ, जुनून के साथ आप लगे रहिए। अगर आप जोश के साथ, उत्साह के साथ लगे रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं छूटेगा। अगर 30 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप ये मान के चलो 28, 29, 30 भी कर लोगे, राइट। एसएससी वगैरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें भी आप मैक्सिमम कर लोगे, क्योंकि अगर मैंने आपको 30 से 40 सेट प्रैक्टिस करा दिया तो ये मानकर चलिए उस 30 से 40 सेट प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑल एंड गुड डे ऑल। थैंक यू वेरी मच।